हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज है संडे और यहाँ पे पानी का टंकर हम लोग मंगवाए हैं, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में हम लोग जहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पर पानी का बहुत दिक्कत है। पहले मतलब पानी सही तरीके से आता था, जो यहाँ पे आता है, एक मीठा पानी आता है, एक खारा पानी आता है। तो खारा मतलब नमकीन पानी रहता है, तो उससे हम जो भी काम धाम होता है, कपड़ा वगैरह धोना, बर्तन धोना, मतलब सारा काम होता है, तो वो नमकीन पानी से ही करते हैं, खारा पानी से। और जो मीठा पानी आता है तो वो हम पीने के लिए, खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। तो अभी यहाँ पे इतना नाला का पानी पूरा, मतलब कि जो मीठा पानी आता है उसमें पूरा नाला का पानी ही आता है। इतना गंदा पानी रहता है कि इतना बदबू देता है कि वो पानी आप पी नहीं सकते, इतना घटिया पानी रहता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक दो सप्ताह में, मतलब लगभग 15 दिन पानी चलाते हैं हम लोग, या एक सप्ताह कभी कभी, तो सप्ताह में या महीना में 2 बार हम लोग टैंकर मंगवाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोगों का यहाँ पे डब्बा है। कुछ लोग तो यहाँ पे, बहुत सारे लोग भर के ले के चले गए, और डब्बा यहाँ पे देखिए अभी सब भर रहा है, और मैं भी यहाँ पे अपना भर ली थी। और यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे अगल बगल जो भी पड़ोसी वगैरह रहते हैं वो सब यहाँ पे पानी भर रहे हैं, क्योंकि पानी का यहाँ पे गली में बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और नाला का पानी वैसा गंदा पानी पीजिएगा तो एक तो बीमारी हो जाएगा, जितना का पानी नहीं पीजिएगा उतना तबीयत ख़राब हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं नाला का पानी यूज़ करने से। तो मीठा पानी आता है लेकिन वो यूज़ नहीं करते हैं, बस वो वैसे ही रहता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग टंकर का पानी मंगवाते हैं, ये पूरा प्योर, मतलब साफ़ सुथरा पानी, सही पानी रहता है। तो इसीलिए श्रेयांश के पापा को बोले थे पानी को टंकर बुलाने के लिए, तो वही बुलाते हैं, मेरे हस्बैंड ही बुलाते हैं पानी को टंकर। और जो भी पैसा लेते हैं टंकर वाला, तो वो हम पूरा गली के लोग जो भी पानी भरते हैं वो सब मिलजुल के, और सभी लोग कुछ पैसा मतलब मिला के फिर टंकर वाले को पैसे दिए जाता है। तो यहाँ पे टंकर हम लोग मंगवाते हैं, तो जो भी गली के लोग पानी भरते हैं सब हम लोगों को यहाँ पे मुझे पैसा देते हैं। उसके बाद फिर सभी लोगों का पैसा कलेक्ट करके फिर ड्राइवर को दे देते हैं, जो टंकर लाते हैं। वैसे तो पानी यहाँ पे फ्री में आता है, लेकिन जो ड्राइवर होता है वो अपना खर्चा वर्चा के लिए 200-250-200 ऐसे पैसा ले लेता है। तो हम लोग टंकर बुलाते हैं तो 200-250 रुपये ले ही लेता है, तो सबसे पैसा कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर टंकर वाला को दे देते हैं। तो आज संडे था और श्रेयांश के पापा भी घर में थे, और जानबूझ के संडे को मंगवाए थे, क्योंकि संडे को सभी लोग घर पे रहते हैं, फ्री रहते हैं, और फिर उस टाइम सभी लोग पानी भर लेते हैं। और वैसे हम लोग मंडे को या दूसरा किसी और दिन मंगवाते हैं, जैसे कि संडे को छोड़ के दूसरा दिन पानी अगर मंगवाते तो कोई पानी नहीं भरता, मतलब सभी लोग तो यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सभी लोग यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, घर में कोई नहीं रहेगा, बस कोई कुछ लोग ही यहाँ पे देखिएगा जो लेडीज़ वगैरह रहती है ज़्यादातर, बाई चांस आपको कोई कोई ही आपको घर में मिलेगा, ज़्यादातर सभी लोग ड्यूटी करते हैं। और ड्यूटी करना भी चाहिए, क्योंकि आजकल सभी लोग करते हैं, ड्यूटी करना चाहिए, तो सभी लोग यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, कोई भी घर में उतना नहीं रहते हैं। तो इसीलिए सोचे कि संडे को ही मंगवाएंगे तो सही रहेगा, क्योंकि संडे को सभी लोग का छुट्टी रहता है ज़्यादातर, और सभी लोग घर में रहेंगे तो पानी सभी लोग भर लेंगे। वैसे बीच में पानी मंगवाते हैं तो टंकर का पानी और वापस ही चला जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे भर लेते हैं और कुछ लोग भर भी नहीं पाते हैं, सब लोग ड्यूटी में रहते हैं तो पानी नहीं भर पाते, तो टैंकर का पानी वापस चला जाता है। इसलिए संडे को मंगवाए थे, और आज देखिए यहाँ पे छोटा टंकर आया है, क्योंकि पिछले बार बड़ा टंकर मंगवाए थे तो पानी बहुत ज़्यादा वहाँ पे रह गया था टंकर में, और फिर वो पानी वापस गया, तो इस बार सोचे कि छोटा टंकर में ही हो जाएगा। और संडे था, पता नहीं था कितना ज़्यादा लोग आएगा, क्योंकि इससे पहले भी टैंकर मंगवाते हैं, तो सोमवार को या फ्राइडे को इस तरह डेट पे मंगवाए हैं, तो उतना लोग पानी नहीं भरते थे और बहुत सारा पानी वापस चला जाता था। और आज संडे को पानी मंगवाए हैं तो पूरा, मतलब कि गली अपना जहाँ पे हम जो गली में रहते हैं, जो गली में, वो गली के लोग भी आ गए थे, और दूसरे गली का भी लोग आके पानी भरे थे, तो पूरा टंकर या छोटा टंकर था तो खाली हो गया यहाँ पे, और खाली हो गया, और कुछ लोगों का डब्बा भी नहीं भरा, 2-4 डब्बा रह गया था, और फिर लगभग सारा डब्बा भर गया था, फिर भी 2-4 डब्बा खाली ही रह गया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डब्बा था और पानी कम पड़ गया। और वैसे मंडे को मंगवाते थे, किसी को पता भी नहीं चलता कि टैंकर मंगवाए हैं, और कोई पानी ही नहीं भर पाता, इसीलिए संडे को मंगवाए और सभी लोग भरे। वैसे पानी सबको देना चाहिए, इससे क्या होता है कि पूर्ण होता है, और फिर ये नहीं कि हम टैंकर मंगवाए थे किसी को पानी नहीं भरने देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी है अपना दूर दूर गली से भी, दूसरा गली से भी लोग पानी भर के लेके गए थे। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे जितना भी आपको डब्बा देख रहा है सारा डब्बा भर चुका है। और देखिए कुछ डब्बे सब यहाँ पे बाद में भी लेके आ रहे हैं, और यहाँ पे देखिए सब भर रहे हैं। उधर भी वो आंटी वहाँ पे आई थी, वो भी पिछले गली से यहाँ पे आके पानी भर रही है। और ये लड़का भाई भी यहाँ पे देख रहे हैं, वो भी पीछे गली से सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और मैं यहाँ पे पाइप लेके यहाँ पे बैठी थी, मतलब मेरा डब्बा सब भर गया था, यहाँ से डब्बा हटाना था, इसलिए बैठी थी वहाँ पे। क्योंकि अगर इधर उधर चल जाएंगे, अगर हम रूम में चल जाते तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का डब्बा था, सबका डब्बा एक जैसा ही था, तो कौन किसका डब्बा उठा के चला जाता पता नहीं चलता। इसलिए मैं भी यहाँ पे अपना बैठी थी, मेरा डब्बा नीचे था और श्रेयांश के पापा ऊपर कुछ काम कर रहे थे, इसलिए मैं उनका वेट कर रही थी कि अपना आके फिर डब्बा लेके चले जाएंगे। और ऊपर का रूम है, इतना दिमाग मेरा ख़राब हो जाता है, क्योंकि हमारा 50-50 लीटर का डब्बा है, 30 लीटर का, 20 लीटर का, ये सब डब्बा है, तो वो मतलब भरने में कोई दिक्कत नहीं है, टैंकर का पानी भर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको उठा के ऊपर ले जाने में बहुत दिक्कत होता है। तो मेरे हस्बैंड और साइड में एक रहते हैं अंशिका के पापा, तो वो दोनों मिलके और ऊपर फिर 2-3 लोग मिलके फिर ऊपर चढ़ाते हैं। 50 लीटर का डब्बा 30 लीटर का है, 20 लीटर का भी है, और छोटा छोटा बाल्टीन है 10 लीटर का, तो वो सब मैं खुद ही ले आती हूँ। लेकिन भारी डब्बा जो होता है दो लोग ऊपर लेके चढ़ाता है, तो पानी भरने में मतलब सही पानी तो मिल जाता है, लेकिन ऊपर चढ़ाने में दिक्कत होता है। ऊपर हमारा रूम है तो बहुत दिक्कत होता है। तो यहाँ पे देखिए वीडियो में अंशिका के पापा जो है उनको बोल दिए थे कि सबसे पैसा कलेक्ट कर लीजिए, मतलब सभी लोग दे रहे हैं तो सबसे पैसा ले लीजिए और मतलब ड्राइवर को दे दीजिए। और कुछ पैसा यहाँ पे मैं भी कलेक्ट की थी तो सारे यहाँ पे दे दिए हैं, सारा कलेक्ट करके अंशिका के पापा पूरा ड्राइवर को दे दिए थे। और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे वो अभी कलेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी पानी ख़त्म हो चुका है और सभी कुछ लोगों का डब्बा भी नहीं भरा है, देख सकते हैं यहाँ पे पानी अभी ख़त्म हो गया है टैंकर का, और 2-3 डब्बा रह गया था। और आज तो पानी भी इतना लेट से आया है कि दिमाग ख़राब हो गया है, मतलब हम लोग 10-11 बजे से ही वेट कर रहे थे कि अब टैंकर आएगा टैंकर आएगा, और टैंकर वाले ड्राइवर भी बोल रहा था कि अभी पहुँचने वाले हैं पहुँचने वाले हैं पहुँचने वाले हैं, ऐसे बोलते बोलते 3 बजे आया है। और 3 बजे तक मैं सोची कि तब तक काम धाम मेरा सब कुछ हो गया था, मैं सोची कि जब तक टैंकर आएगा उसका इंतज़ार में रहेंगे तो कोई भी काम हो नहीं पाएगा, जब आएगा तब देखा जाएगा। तो मैं सारा काम वगैरह कर ली थी और सब कुछ हो गया था, तो फिर उसके बाद फिर मैं आराम कर रही थी, श्रेयांश को सुला रही थी, और जैसे वो सोया उसके बाद थोड़ा ही देर के बाद फिर टैंकर वाला को फ़ोन आया कि आ गए, तो फिर हम भी जल्दी से उठ के फिर डब्बा वगैरह जो भी डब्बा था ऊपर धो के रखे थे तो सारा डब्बा नीचे लेके चले गए। उसके बाद फिर टैंकर आया और उसके बाद फिर हम लोग सभी लोग मिलजुल के पानी भरे। पहले तो हम ही लोग एक पाइप वहाँ पे 2-3 पाइप लगाने का ऑप्शन रहता है, तो एक पाइप तो मैं खुद ही ले ली थी यहाँ पे, और अपना डब्बा और जो भी हमारे ऊपर का किरायादार है नीचे जो मकान मालिक है सबका डब्बा यहाँ पे मैं पाइप लेके भर दी थी, और दूसरा तीसरा जो भी पाइप था तो वहाँ पे जो गली के लोग हैं वो सब भर रहे थे, लेकिन एक पाइप मैं ली थी और वहाँ से सबका डब्बा मैं भर ली थी। तो यही था, देख लिए आप लोग कि दिल्ली में कितना मुश्किल होता है रहना, और फिर पानी का दिक्कत हो जाए तो और भी मुश्किल होता है, क्योंकि पानी के बिना तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना खाना ना पीना ना कोई काम होगा बिना पानी का, तो सबसे पहले पानी ज़रूरी है। तो देख सकते हैं इसी तरह हम लोग पानी भर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।